जिला कुल्लू की ढालपुर की सोनी सांग जल्द खुशमिजाज होने वाली है। जल्द ही ढालपुर का माल रोड व दशहरा का मीना बाजार शाम को भी रंगीन नजर आएगा। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 8 के पार्षद व जिला भाजपा सचिव तरुण विमल ने इसका पूरा खाका तैयार कर रखा है। कॉलेज रोड से ढालपुर चौक तक के दायरे को 1.50 करोड़ से निखारा जाएगा। इस मार्ग के फुटपाथ पर कोटा स्टोन बिछाया जाएगा। LED पैनल लगाकर माहौल को संगीतमय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्ग के आसपास सजावटी व औषधीय पौधे लगाने पर भी विचार होगा। वहीं इस दायरे में आने वाले बिजली के पोल व तारों को भी अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसके लिए विद्युत विभाग ने भी खाका तैयार कर रखा है। तरुण ने कहा कि ढालपुर की शाम ऐतिहासिक बने तथा लोग इवनिंग कल्चर में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से काम किए जाएंगे। स्थानीय जनता की सुविधा के लिए यहां पर कुछ स्थानों पर बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। स्थानीय जनता यहां पर आराम से घूम सके और आने वाले समय में कुल्लू में भी एक इवनिंग कल्चर के ट्रेंड को बढ़ावा दिया जा सके। स्थानीय व्यापारियों व होटल व्यवसायियों के लिए भी यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। अमृत योजना के तहत हमने ढालपुर के जो मेन मॉल रोड है उसका एक टेंडर फ्लोट किया हुआ है स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो उसके तहत ही हम वहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टिंग फुटपाथ्स हैं और उसके साथ जो साथ लगता एरिया है उसमें कोटा स्टोन बिछाने का हम कार्य करने जा रहे हैं। और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ हमने टाइप किया था कि ये ढालपुर चौक से लेके आपका कॉलेज चौक तक जितनी भी ये आपकी ओवरहेड जो वायर्स हैं हाई टेंशन वायर्स हैं इनको अंडरग्राउंड किया जाए। तो इसके लिए एक सर्विस डक्ट का भी वहाँ पर एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं और जिसके लिए अभी हमारा उनके साथ जो एस्टिमेट के लिए थोड़ा सा वो कश्मकश चल रही थी वो फाइनल अप्रूवल हो गया है। तो अब वो काम भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये दशहरे को फोकस में रखते हुए हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से यहाँ की जो नक्शा था जहाँ पे जो जिस डायमेंशन पे यहाँ पर शॉप्स लगती थी उसी हिसाब से फिर हमने वो नक्शा भी ले लिया। तो उसी के तर्ज पे हमने वहाँ पर कोटा स्टोर में वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइप्स भी जो 3-4 इंच चौड़ी होगी जिसमें बलियाँ और उनकी जो पाइप जो शॉप्स की लगती थी वो भी जो उन्होंने जो डायमेंशन दी है चाहे 8x10 की है या 10x10 का जो डायमेंशन वहाँ का दिया हुआ है वो हमने वहाँ ऑलरेडी फिट कर दिए ताकि उस जगह की कोई खोद खुदाई ना करनी पड़े। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।